अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलानूर पैवंद और आप देख रहे हैं वेटरनरी हब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जानवरों में एब्डोमिनल पेन के बारे में, यानी पेट के मरोड़ या पेट के दर्द के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें। तो वक्त ज़ाय किए बग़ैर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस किस्म के जानवरों में अक्सर बेशतर जो सिम्टम्स आते हैं वो ये है कि जानवर दुम उठाकर खड़ी होती है, पिछले टांगों को ज़मीन पर मारती रहती है और बौंड खड़ी रहती है और गोल गोल घूमती रहती है और बेचैन रहती है। अमूमन ये कॉलिक पेन की बड़ी वजह नया भूसा होता है, क्योंकि नए भूसे में फाइबर सख्त होता है और जल्दी हजम नहीं होता। ये पेट में इस तरह साबित पड़ा होता है और पेट में दर्द का सबब बनता है। अगर आप नया भूसा इस्तेमाल करते हैं तो खिलाने से पहले 4 या 5 घंटे पहले खिलाने से पानी में भिगो दे और साथ में थोड़ा सा यूरिया मिला दे। कुछ दिन इस तरह करने से आपके जानवरों को नए भूसे की आदत हो जाएगी, फिर आप इनको खिला सकते हैं। अब आते हैं इलाज की तरफ। तो सबसे पहले आपने 15 ml लोक्सिन इंजेक्शन लगा देना है। इसके साथ साथ आप इसको स्कोरेक्स और लिक्विड पैराफिन पिला दे तो जानवर को आराम आ जाएगा। अगर फिर भी जानवर को आराम ना आए तो इसके साथ साथ आप अपने जानवर को लकड़ हजम, पत्थर हजम, जो कि जिनपोर, जिनलाइट वगैरह के नाम से मार्केट में मिलती है, आप ये भी पिला सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।